महंगाई का एक और वार, कोयटा में अंडों की कीमत सर्दियों से कबल ही आसमान पर पहुंच गई। फी दर्जन दाम 144 से बढ़कर 196 रुपए तक पहुंच गए। शहरियों ने नाजायज मुनाफाखोरों को लगाम डालने का मुतालबा कर दिया। कोयटा में सर्दियों की आमद से कबल ही अंडे की कीमत 12 से 16 रुपए हो गई। अब अंडे भी गरीब आदमी की पहुंच से दूर हो गए। डीलर्स का कहना है कि किरायों में इजाफे, फीड की कीमत बढ़ने से अंडे महंगे हुए। नवाही इलाकों में 17 रुपए भी अंडे फरोख्त किए जाने की इत्तला है। अभी तक सर्दी शुरू नहीं हुआ है, किन लोगों ने अंडा महंगा कर दिया है, तो इस बारे में DC को या असिस्टेंट कमिश्नर को सुनना चाहिए, जो हमारा इंतजामिया के लोग हैं, ताकि गरीबों पर कुछ रहम। इस पर भी गरीबों पर रहम नहीं है, इसको भी महंगा किया हुआ है। जो खाने का चीज़ है गरीबों के पास दस्तयाब है, वो भी हमें नहीं मिल रहा है, तो और क्या मिलेगा। ये मजबूरी है कि इंसान सर्दियों में तो खा सकता है, गर्मियों में तो खा नहीं सकते हैं, मगर इन्होंने पता नहीं क्या किया कि बस ये दिन ब दिन महंगा कर रहे हैं। शहरियों का कहना है कि अंडा ही गरीब आदमी की पहुंच में था, उसके निर्ख भी बढ़ गए और उसके पीछे किस माफिया का हाथ है किसी को इल्म नहीं। अंडे के व्यापारियों का कहना है कि डिमांड और सप्लाई में काफी फर्क आया है। ट्रांसपोर्ट के किरायों में इजाफा और फीड की कीमत बढ़ने के अलावा भी कई वजूहात हैं। इमरान खान का गवर्नमेंट जो है, महंगाई ये सबसे बड़ी वजह है। ये जो मुर्गियों का फीड वगैरह है, ये 200 रुपए फी बोरी पे इजाफा हुआ है, इसकी वजह से भी ये अंडों पे असर पड़ा है इनका रेट। अंडे का काम डिमांड सप्लाई पे चलता है, अभी डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है। आउट ऑफ कंट्री भी जा रहा है और हमारा यहाँ लोकल पाकिस्तान का भी काफ़ी डिमांड है, इसलिए इसका रेट बढ़ गया। कोयटा में पंजाब के 15 दर्जन की अंडों का कार्टन 3000 और कराची के 2950 रुपए में फरोख्त हो रहा है, जबकि कोयटा के अंडों के निर्ख इससे भी ज़्यादा हैं।